ऑफ यू अपने डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे थे, क्लास 10th का बायोलॉजी का लेसन नंबर 1 है, उसमें तो हमने एक वीडियो बना ली थी जिसमें हमने डाइजेशन किया था माउथ के अंदर और स्टमक के अंदर। अब जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन। तो सबसे पहले मैंने यहां मेंशन किया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कैसे होगा। स्टमक में डाइजेशन होने के बाद फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले जो एक जूस मिक्स होता है जिसे हम बाइल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइल जूस। तो बाइल जूस है वो किसके द्वारा निकलता है, कौन सिक्रीट करता है? लीवर। तो लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, और ये वाला पोर्शन जो है ये लीवर है, ये लीवर है। इस तरीके से ये लीवर है और ये बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस जो है वो स्टोर कहाँ होता है? वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। इस तरीके से गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस सिक्रीट होता है, और ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर के थ्रू गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया, लेकिन इसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के लिए एक ट्यूब का या एक डक्ट का, डक्ट यानी एक ट्यूब है जो छोटी कैरी करती है इसे बाइल जूस को, और वो गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई, दूसरा एंड उसका स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच रहता है। तो गॉल ब्लैडर से बाइल जूस बाइल डक्ट के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। अब बात आती है कि बाइल जूस के फंक्शन क्या हैं। इस फंक्शन के अंदर मेन दो फंक्शन हैं, इंपॉर्टेंट है भाई ये फंक्शंस। तो इसमें फर्स्ट आता है कि बाइल जूस का फंक्शन क्या है। ये फर्स्ट आता है कि फूड को बेसिक करती है, यानी बेस बनाती है। एसिडिक मीडियम हमने यहां पढ़ा था स्टमक के अंदर, एसिड कौन बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो उसे बेसिक होना पड़ता है। क्यों होना पड़ता है वो हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, लेकिन बेस उसे बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? वो करता है बाइल जूस। बाइल जूस तो फर्स्ट फंक्शन हो गया बाइल जूस का, कि फूड को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। सेकंड जो इसका मेन फंक्शन है, फैट को इमल्सीफाई करता है। अब इमल्सीफाई क्या चीज होती है? फैट यानी जो हमने ऑयल वाली सब्सटेंस खाई है, या ऑयल है या घी है, वो फैट के एग्जांपल्स हैं। वो लार्ज ग्लोब्यूल्स में लार्ज ड्रॉपलेट है उनकी, उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करना, इसे ही हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। यानी बड़े फैट के पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? बाइल जूस करता है। इसे हम फैट का इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो दो फंक्शन है, फूड को बेसिक बनाना और सेकंड है फैट का इमल्सीफाई करना। तो ये फंक्शन किसके थे? लीवर के थे। अब लीवर के बाद जो नेक्स्ट है, एक और जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है, ये ग्लैंड है पेनक्रियाज। कौन सी? पेनक्रियाज के द्वारा जो इंसुलिन हार्मोन भी रिलीज होता है, जिससे कि डायबिटीज वगैरह जो है वो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहता है, और कम इससे अगर
पेनक्रिया से इंसुलिन हार्मोन कम रिलीज हो तो फिर डायबिटीज हो जाती है। तो वो हार्मोन है, हार्मोन हम दूसरे लेसन में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ से ये पढ़ेंगे कि पेनक्रियाज जो है ये क्या रिलीज करती है। ये रिलीज करती है पेनक्रिएटिक जूस। क्या रिलीज करती है? पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करती है। और पेनक्रिएटिक जूस जो है ये भी एक डक्ट के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। अब पेनक्रिएटिक जूस के अंदर तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट है लाइपेज, सेकंड है ट्रिप्सिन और थर्ड है अमाइलेज। अमाइलेज ये तीन एंजाइम हैं। एंजाइम मैं कल भी बता चुका हूं आपको कि एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो पेनक्रियाज ग्लैंड है, उससे पेनक्रिएटिक जूस निकलता है। पेनक्रिएटिक जूस में तीन चीजें हैं, लाइपेज, ट्रिप्सिन और अमाइलेज। अब हमें इनके फंक्शन है वो बताने हैं। तो फंक्शन इसके अंदर मेन आता है लाइपेज जो है वो इमल्सीफाई फैट को डाइजेस्ट करता है। और फैट को इमल्सीफाई कौन करता है? बाइल जूस करता है। और इमल्सीफाई फैट को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? लाइपेज करता है। फिर आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। एक जगह स्टमक में भी हमने प्रोटीन का डाइजेशन किया था, वहां भी पेप्सिन ने किया था, लेकिन यहाँ जो है क्योंकि प्रोटीन है वो दो तीन बार डाइजेस्ट होता है, तो यहाँ प्रोटीन जो है वो ट्रिप्सिन के द्वारा जो है वो डाइजेस्ट होगा। लेकिन ट्रिप्सिन जो है वो कौन से मीडियम में काम करता है? बेसिक मीडियम में। कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। अपने थोड़ा सा यहाँ नीचे लिख देंगे, बेसिक मीडियम में। और यहाँ पेप्सिन जो था, जो हमने कल के वीडियो में पढ़ा था, वो एसिडिक मीडियम में काम करता है। ये इन दोनों में क्या है? डिफरेंस है। यानी ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है और पेप्सिन भी करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? पेप्सिन मेनली अपना काम एसिडिक मीडियम में करता है, जबकि ट्रिप्सिन है वो बेसिक मीडियम में करता है। पेप्सिन जो है वो जो प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक के अंदर करता है, जबकि ट्रिप्सिन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन करता है। उसके बाद है अमाइलेज। अमाइलेज जो है ये स्टार्च का डाइजेशन करता है। स्टार्च का डाइजेशन एक माउथ में भी होता है। किसके थ्रू होता है? सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू होता है। और एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके थ्रू होता है? ये अमाइलेज के थ्रू होता है। अब फूड जो है डाइजेस्ट हो गया, लेकिन अभी इंटेस्टाइन का रोल और है। यानी मेन जो डाइजेशन, फाइनल डाइजेशन है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। और इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती है। इंटेस्टाइनल जूस जो है इसके द्वारा रिलीज किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा फाइनल डाइजेशन के लिए। तो फाइनल डाइजेशन में फैट जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है। ये भी पूछा जाता है भाई, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, और जो अपने कहते हैं प्रोटीन है वो डाइजेस्ट होती है अमीनो एसिड के अंदर, और कार्बोहाइड्रेट जो है
भूख किसमें डाइजेस्ट हो जाती है? ग्लूकोज के अंदर। ये इस तरीके से फाइनल डाइजेशन होता है। किसके अंदर फाइनल डाइजेशन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या रिलीज होता है? इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है, जो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर बात आती है कि फूड जो है ये डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद इसे बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो एब्जॉर्ब करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके से, अगर मैं यहाँ भी एक हल्का सा डायग्राम बनाऊं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, अपने फिंगर जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम विलाई कहते हैं, विली या विलाई। ये इसमें ब्लड प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं। ये डाइजेस्टेड फूड जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, हमारा फूड इसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देती हैं। ब्लड पूरी बॉडी के अंदर फूड को सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता जाता है। अब जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, वो यहाँ से एंटर होता है किसके अंदर? लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये वाला जो पोर्शन है ये इतना, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर यहां से एंटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है ओनली अनडाइजेस्टेड फूड एंटर होता है, यहां भी विलाई प्रेजेंट होती हैं और वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं। यानी वाटर जो हमने ड्रिंक किया है फूड के साथ या पहले भी, तो उस वो बॉडी को कम मिलता है जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। लार्ज इंटेस्टाइन में ओनली वाटर का एब्जॉर्प्शन है। फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रेक्टम में इकट्ठा होता है, रेक्टम, यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड इकट्ठा होता जाता है। और एनस के थ्रू, इस तरीके से ये वाला जो पोर्शन है एनस, इसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से क्या हो जाता है? बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये इस तरीके से ह्यूमन के अंदर क्या होता है? डाइजेशन है। इसको 5 स्टेप में हमें लर्न करना है। इसमें फर्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है इंजेशन। इंजेशन, इंजेशन का मतलब हो गया कि फूड को हाथ के द्वारा माउथ में इनटेक करना, उसे हम क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। सेकंड आता है डाइजेशन या डाइजेशन। डाइजेशन जो है ये माउथ से लेके और स्मॉल इंटेस्टाइन तक क्या चलता रहता है? डाइजेशन चलता रहता है। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन यानी डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के द्वारा इंटेक करना, तो वो विलई के द्वारा कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आता है एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। नंबर 4 है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है कि फूड जो एब्जॉर्ब हो गया है उसे पूरी बॉडी के अंदर क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। और वो कौन बांटता है? ब्लड, उसे हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। नंबर 5 आ जाता है यहाँ पे इजेशन। इजेशन का मतलब है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर रिलीज होना, और वो एनस, रेक्टम और एनस से होता हुआ बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। ये इस तरीके से हमारा क्या था? ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।